नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश वेदर अपडेट के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी। जानेंगे आज के मौसम का हाल कैसा देखने को मिल रहा है और क्या आने वाले दिनों में सर्दी आपकी मुसीबत बढ़ा सकती है या नहीं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में नवंबर और दिसंबर का महीना परेशानी भरा हो सकता है। इस दौरान ला नीना जहाँ सर्द कहर बरपाएगा, वहीं पराली हवा में जहर खोलती नजर आएगी। कुल मिलाकर इसका मतलब ये है कि अगले दो महीनों के दौरान ठंड भी अधिक पड़ेगी और प्रदूषित हवा में सांस लेना भी कष्टदायक होगा। वजह, अक्टूबर में भले ही विस्तारित मॉनसून ने स्थितियों को नियंत्रण में रखा हो, लेकिन अब स्थिति बदलती दिख रही है। पर्यावरण वैज्ञानियों के अनुसार तापमान में गिरावट और अन्य मौसम संबंधी वजहों जैसे हवा की गति धीमी और उसकी दिशा के चलते प्रदूषण का स्तर भारत गंगा के मैदानी इलाकों के अधिकांश शहरों जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल में सप्ताह भर से बहुत खराब या खतरनाक श्रेणी में चल रहा है। वहीं पटाखों और पराली जलाने के मौसमी कारकों ने हमेशा की तरह समस्या को और बढ़ा दिया है। लगातार दूसरी बार ला नीना के साथ उत्तर पश्चिम भारत इस मौसम में भीषण सर्दी के लिए तैयार है। मौसम विज्ञानी इस साल मैदानी क्षेत्रों में रिकॉर्ड लो यानी कि कम तापमान की भविष्यवाणी कर रहे हैं। नवंबर और दिसंबर में सामान्य से अधिक ठंड पड़ने की उम्मीद है। वहीं ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी फरवरी में कुछ उत्तरी क्षेत्रों में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाने की उम्मीद जताई गई है। एक के बाद एक दूसरे ला नीना की एक बड़ी संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 तक अत्यधिक ठंड पड़ सकती है। इस अवधि के दौरान समुद्री घटनाओं के चरम पर होने की उम्मीद है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सर्दियों की तीव्रता दुनिया के अन्य हिस्सों में घटते कई अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। वहीं बात करें अगर एयर इंडेक्स की, तो एयर इंडेक्स बहुत ही खराब के उच्च स्तर पर चल रहा है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जो सर्दी का मौसम है आने वाले दिनों में आपको और ज़्यादा तंग करता हुआ नज़र आ सकता है। मौसम वैज्ञानिक इस समय दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 तक के 3 महीने ऐसे बता रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा सर्दी वाले साबित हो सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जिस हिसाब से ला नीना कहर बरपा रहा है समुद्री इलाकों में, समुद्री तटों पर, उसका असर भी अब बारिश पर कहीं ना उसका असर भी अब सर्दी में कहीं ना कहीं देखने को मिलता रहेगा। और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो वायु यानी हवा का जो क्वालिटी इंडेक्स है कि हवा जो है हमारे वातावरण में अच्छी है या किस श्रेणी में है, वो इस समय अभी खराब जो कैटेगरी होती है, जो खराब श्रेणी होती है, उसके उच्च स्तर पर चल रही है। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना हुआ है मार्केट एमसी पर।